तो आज उत्तराखंड में यूथ आइकन अवार्ड दिया गया है और आज आपको मैं संवाद 365 के माध्यम से कैसे व्यक्तित्व से मिलाना जा रही हूँ जिसका नाम ही काफी है और आप सभी उनसे भली भांति परिचित हैं। सीधे मिलते हैं खान सर से। खान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि, आज आप आए हैं, कैसा लग रहा है? कि सबसे पहले आपको बधाई, यूथ आइकन अवार्ड आपको दिया गया। धन्यवाद। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे मेनली टूरिज्म बहुत है यहाँ के, तो यहाँ के लोगों को भी कहना चाहेंगे कि टूरिज्म में सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आपका इंटरेक्शन कैसा होता है बाहर के लोगों के साथ, तो ये हमको नहीं लगता है सिखाना पड़ेगा यहाँ के लोगों को। यहाँ के लोगों में बहुत ये चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ के लोग। सर, उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ, पटना में आप पढ़ा रहे हैं और उत्तराखंड में आपने IMA की एक बात बधाई, सेना में जाने का आपका इच्छा था, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? अब हम लोग, जरूरी नहीं कि इंसान के सारे सपने पूरे हो जाए, क्योंकि सेना में जाने के लिए हर चीज़ का आपको फिजिकली फिट रहना पड़ता है, कहीं के भी थोड़ी सी भी अगर कमी रहेगी तो आपको रिजेक्ट कर देते हैं सब। तो इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं आप? बच्चे बहुत आपसे खुश हैं, आपको देखते हैं, आप काफ़ी फेमस हैं आज बच्चों के बीच में, आपका पढ़ाने का तरीका काफ़ी अलग है। देखिए, बच्चों को देखना पड़ेगा, बहुत सारे हमारा मेन उद्देश्य रहता है जो गरीब बच्चे हैं, जो उतने पैसे नहीं है, जो मतलब बड़े कोचिंग्स को या बड़े इंस्टीट्यूशन को हायर कर सके, तो उनको एक आसान भाषा में समझाया जा सकता है, बस यही ऊर्जा मिलती रहती है उनसे। आखिरी सवाल, उत्तराखंड जैसा पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे दूर दराज से बच्चे जो पढ़ने के शौकीन हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको क्या संदेश आप देने लगे, क्योंकि आज आपको अवार्ड भी दिया गया है इसके नाते? देखिए, हम आज डिजिटल इंडिया के ज़माने में हम ये कहेंगे कि आज पहाड़ गाँव कहीं नहीं रह गया, हर जगह ये चीज़ कनेक्टिविटी आ चुकी है, उन लोगों को अब बहाना नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आज के वक्त में आप देखिएगा कि डिजिटल हर चीज अवेलेबल है, हम लोग के वक्त में किताब में है या तो टीचर है बता सकते हैं, अदरवाइज में कोई ऑप्शन नहीं। तो ये थे हमारे साथ खान सर, जिनसे भली भांति आप परिचित हैं, उत्तराखंड में आज इन्हें यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं रेनू प्रदीप, कैमरा पर्सन राकेश वेड़ा के साथ संवाद 365 देहरादून।